दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल जॉब एक्सप्रेस पे। तो जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, इस चैनल पे मैं आपके लिए नौकरी से जुड़ी ताजा तरीन जानकारियां लाता रहता हूं। तो स्क्रीन पे देख के आप समझ गए होंगे कि आज के वीडियो में मैं जिस नौकरी के बारे में बात करने वाला हूं वो आपकी यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में क्या है कि होने वाली है। तो जी हां, आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं यूपीएससी में होने वाला आपका इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन 2021 के बारे में। वैसे मैं आपको बता दूं कि सिविल सर्विसेज 2021 का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो भी यूपीएससी की वेबसाइट पे आ गया, लेकिन जो ये आज का मेरा ये वाला वीडियो है ये सिर्फ क्या है कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन 2021 के बारे में क्या है कि आपका होने वाला है। तो किस तरह आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन ढूंढ सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट से, तो ये ऑफिशियल वेबसाइट आपकी यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की। राइट हैंड साइड में आपको एक ऑप्शन नजर आएगा जो कि कहता है व्हाट न्यू, और उसमें आपको काफी सारे जो नोटिफिकेशन है वो आपको एनिमेशन के थ्रू ऊपर जाते हुए नजर आएंगे। तो सबके सबसे लास्ट में नीचे आपको एक ऑप्शन नजर आएगा जो कि व्यू ऑल कहता है। व्यू ऑल इसमें क्या है कि येलो से दर्शाया गया है। जब आप इसको टैप करेंगे तो आपके सामने व्हाट्स न्यू में जितने भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो सारे खुल जाएंगे। अभी करंटली मैंने जब वेबसाइट खोली तो सेकंड नंबर पे वो ऑप्शन है, हो सकता है जब आप वेबसाइट खोलें तो उसका जो सीक्वेंस है या नंबर है वो चेंज हो जाए। जो नोटिफिकेशन आपको खोलना है वो क्लियरली कहता है एग्जाम नोटिफिकेशन इंडियन फॉरेस्ट सर्विस प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन 2021। तो यही आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन होने वाला है। जब आप इसको करेंगे ऐसे टैप तो आपके सामने एक और पेज खुलेगा जिसमें नेम ऑफ एग्जामिनेशन, डॉक्यूमेंट टाइप, डॉक्यूमेंट्स और लिंक लिखे हैं। डॉक्यूमेंट्स के नीचे जो आपको एक ऑप्शन नजर आएगा जिसमें आपका साइज भी दिया गया है 579.61 KB PDF का साइज आपका, उसके नीचे सिंबल बनाया। जब उसको टैप करेंगे तो इस तरह का आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन खुल जाएगा जिसमें बड़ा बड़ा बोल्ड लेटर्स में ऊपर UPSC यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन आपका लिखा गया और उसी के नीचे आपका इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन 2021 क्या है कि आपका लिखा गया है। तो आज का वीडियो इसी के बारे में होने वाला है। तो आज की वीडियो में मैं बात करूंगा कि इंपॉर्टेंट जानकारी क्या क्या होने वाली है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन 2021 के बारे में। इसके अलावा नंबर ऑफ अटेम्प्ट कितने आपको अलाउ किए गए हैं और किस चीज को आपका अटेम्प्ट माना जाएगा। इसके अलावा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, साथ साथ में आपका क्या है कि आपका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होने वाला है, आपको सिलेबस की जानकारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन से कहां से मिलेगी, इसके अलावा आपका एप्लीकेशन फीस और इंपॉर्टेंट डेट्स की जानकारी मैं आपको आज के वीडियो में क्या है कि देने वाला हूं। तो चलिए देर किस बात की, शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में होने वाला इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन 2021 के बारे में। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं सबसे पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, क्योंकि इंपॉर्टेंट ऊपर ही लिखा गया तो इंपॉर्टेंट है। चलिए क्या है कि आपकी शुरुआत करते हैं। तो इंपॉर्टेंट में क्या है कि आप कह सकते हैं दो पॉइंट दिए गए। तो पहला पॉइंट ये कहता है कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का जो आपका एग्जाम है वो ऑफकोर्स दो पार्ट्स में होगा। पहला आपका प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन होता है और दूसरा मेंस होता है। मेंस में वैसे रिटर्न और इंटरव्यू दोनों आते हैं। तो जो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का वो अगर आपको क्लियर करना है तो सीधी सी बात है कि आपको सिविल सर्विसेज का जो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन है वो ही क्लियर करना है। यानी कहने का मतलब है कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन और सिविल सर्विसेज 2021 का जो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन वो आपका एक ही होना है। यानी कि कॉमन एग्जाम क्या है कि आपका होना है, यानी कि जो कैंडिडेट चाहते हैं कि उनका सिलेक्शन हो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन 2021 के लिए उनको सिविल सर्विसेज का ही प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन ही आपका क्या है कि क्लियर करना है। यानी कि कॉमन एग्जाम ही आपका प्रीलिमिनरी होना है दोनों के लिए, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के लिए भी और सिविल सर्विसेज के लिए। हाँ, मेन एग्जाम फिर क्या है कि दोनों के लिए अलग अलग होना, पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि जो कैंडिडेट्स क्या है कि अप्लाई करना चाहते हैं इंडियन फॉरेस्ट सर्विस और साथ साथ में सिविल सर्विसेज, तो वो क्या है कि एक कॉमन ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू क्या है कि दोनों पोस्टों के लिए क्या है कि आपका अप्लाई कर सकते हैं। बस लेकिन शर्त ये है कि वो दोनों पोस्टों के लिए यानी कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस और इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2021 दोनों के लिए क्या है कि उनके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। बहुत सारे कैंडिडेट्स होंगे जिनके पास क्या है कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उनके पास जो क्वालिफिकेशन होगी या उनका जो एज लिमिट वगैरह होगा वो दोनों के लिए फिट होगा, यानी कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के लिए भी और सिविल सर्विसेज के लिए। तो वो कैंडिडेट्स क्या है कि एक कॉमन ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू दोनों एग्जाम्स के लिए क्या है कि आपका अप्लाई कर सकते हैं। तो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके ये हो गए। इसके अलावा अगर हम बात करें नंबर ऑफ वैकेंसीज की, तो अगर आप पहले ईयर में आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखेंगे तो आपको नंबर ऑफ वैकेंसीज देखने को नहीं मिलेंगी। तो जो आपको जैसे मैंने आपको बताया कि इतनी आसानी से आपको नंबर ऑफ वैकेंसीज नहीं मिलेंगी, तो नंबर ऑफ वैकेंसीज कहाँ पे लिखी गई है, तो नंबर ऑफ वैकेंसीज क्या है कि आपका पेज 3 पे दूसरे नंबर का जो पैराग्राफ है उस पे आपको देखने को मिलेंगी, जहाँ पे कि ये क्या है कि क्लियरली दिखा गया कि 110 यानी कि 110 वैकेंसी हुई है इस साल वाले इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन 2021 के लिए। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज हो गई इंपॉर्टेंट, मैंने जो दो इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया वो आपको मैंने बता दिए। आप सीधा बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की।
तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में जो पहला, जो आपका पहला कह सकते हैं कि आप ऑप्शन है, वो ये है कि आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए इनमें से किसी भी एक सब्जेक्ट के साथ। इंग्लिश में अगर मैं उसको बोलूं तो आपका होगा बैचलर्स डिग्री विद एटलीस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट, यानी कि इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट आपके पास क्या है कि बैचलर्स डिग्री में होना चाहिए। कौन कौन से सब्जेक्ट है? पहला है एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटरिनरी साइंस, दूसरा आपका बॉटनी है, तीसरा आपका केमिस्ट्री है, चौथा आपका जियोलॉजी है, पांचवा आपका मैथमेटिक्स है, छठा आपका फिजिक्स है, सातवां आपके पास स्टैटिस्टिक्स है, और आठवां आपके पास क्या है कि जूलॉजी। तो इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट आपके पास बैचलर्स डिग्री लेवल पे होना चाहिए, और ये वाला ऑप्शन नहीं है तो फिर सीधा बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए एग्रीकल्चर में, या फिर फॉरेस्ट्री में, या फिर क्या है कि इंजीनियरिंग में। तो ये सारे आपके ऑप्शन होने वाले हैं। पहला ऑप्शन मैंने आपको बता दिया कि बैचलर्स डिग्री, जो बैचलर्स डिग्री चाहिए इनमें से किसी भी एक सब्जेक्ट में, और सब्जेक्ट क्या मैंने आपको बता दिया, और वो ऑप्शन आपके पास नहीं है तो बैचलर्स डिग्री हो एग्रीकल्चर में, या फिर फॉरेस्ट्री में, या फिर इंजीनियरिंग में, यानी कि इंजीनियरिंग डिग्री भी आपके पास है तो भी आप क्या है कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन 2021 क्या है कि आप दे सकते हैं। तो ये आपका क्या है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है कि आपकी होने वाली है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बाद अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की। नंबर ऑफ अटेम्प्ट का मतलब है कि इसमें क्या है कि आपका रिस्ट्रिक्शंस होता है कुछ कैटेगरीज के लिए कि आप इतनी बार ही क्या है कि एग्जाम में क्या है कि आपका अपेयर हो सकते हैं, यानी कि जितनी भी बार चाहब उतनी बार क्या है कि आप अपेयर नहीं हो सकते हैं। तो मैक्सिमम नंबर जो आपको अटेम्प्ट दिए गए हैं वो आपके 6 अटेम्प्ट है। वैसे नंबर ऑफ अटेम्प्ट की जानकारी आपको आप क्या है कि पेज नंबर 6 से मिलेगी, जहाँ पे पैराग्राफ क्या है कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट आपका लिखा गया है, 4th नंबर का आपका पैराग्राफ है, और 4th उसमें क्या है कि रोमन लेटर का इस्तेमाल करके क्या है कि आपका लिखा गया है। तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट की जानकारी आपको कहाँ से मिलेगी, तो मैं आपको बताता चलूँ कि मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट जो अलाउ किए गए वो आपके 6 हैं। इसके अलावा SC ST कैंडिडेट्स जो हैं आपका, उनके लिए नंबर ऑफ लिमिट्स में कोई भी आपका क्या है कि रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यानी कि वो जितनी बार भी चाहें उतने बार वो अपेयर हो सकते हैं, बशर्ते क्या है कि वो एलिजिबल हो। उसके अलावा बाकी जितने कैंडिडेट बचे उनके लिए 6 अटेम्प्ट होने वाले हैं, और इसी के साथ साथ जो OBC कैंडिडेट्स हैं उनके लिए नंबर ऑफ अटेम्प्ट आपके क्या है कि 9 होने वाले हैं, यानी OBC कैंडिडेट्स के लिए 9 होने वाले हैं। इसके अलावा बाकी जो कैंडिडेट बचे उनके लिए 6 होने वाले हैं, और SC ST कैंडिडेट जो हैं उनके लिए क्या है कि कोई भी नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स में लिमिट नहीं है। अब कुछ लोगों के मन में हमेशा की तरह एक सवाल आया होगा जब नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की मैंने बात करी कि किस चीज को कंसीडर किया जाएगा नंबर ऑफ अटेम्प्ट, क्या प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन को कंसीडर किया जाएगा या मेन एग्जाम को। तो इसी के नीचे जहां आपका पैराग्राफ या अटेम्प्ट के बारे में बताया गया, उसके नीचे आपके क्या है कि 3 नोट दिए गए जिनको समझना बहुत जरूरी है। तो पहला नोट तो यह कहता है कि अगर आप प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में अपेयर हुए हैं तो उसको एक अटेम्प्ट माना जाएगा। प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन अपेयर होने का मतलब यह है कि आपने एक अटेम्प्ट अपना यूज कर लिया। दूसरा नोट ये कहता है कि कैंडिडेट जैसे प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में आपके क्या है कि एक से ज्यादा पेपर होते हैं, तो ये हो सकता है कि क्या आप सिर्फ प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन के एक ही पेपर में अपेयर हो। तो अगर आप प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन के एक पेपर में भी अगर आप अपेयर हुए हैं तो भी क्या है कि आप उसको क्या है कि एक अटेम्प्ट माना जाएगा। इसके अलावा तीसरा नोट कहता है कि हो सकता है कि आप डिसक्वालीफाई हो गए होंगे, या फिर आपका क्या है कि जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल हो गया होगा, यानी कि डिसक्वालिफिकेशन इन केस ऑफ डिसक्वालिफिकेशन या फिर कैंसिलेशन ऑफ कैंडिडेचर में भी क्या है कि उसको आपका अटेम्प्ट माना जाएगा। तो 3 चीज़ें, प्रीलिमिनरी एग्जाम में अपेयर होना अटेम्प्ट माना जाएगा, प्रीलिमिनरी एग्जाम में एक से ज़्यादा पेपर होते हैं तो अगर आप एक पेपर में भी अपेयर हुए तो उसको भी अटेम्प्ट माना जाएगा, साथ साथ में अगर आप डिसक्वालीफाई हो गए हैं, कैंसिलेशन ऑफ कैंडिडेचर हो गया है आपका, तो भी क्या है कि उसको एक अटेम्प्ट माना जाएगा। तो ये सारी चीज़ों को अटेम्प्ट माना जाएगा। नंबर ऑफ अटेम्प्ट कितने वो मैंने आपको बता दिया। अब बात कर लेते हैं एक और इंपॉर्टेंट चीज़ की जिसको हम बिल्कुल बदल नहीं सकते, ठीक है, वो है आपकी एज लिमिट। तो एज लिमिट की जानकारी आपको पेज नंबर 4 सेकंड नंबर का पैराग्राफ लिखा गया, सेकंड जो लिखा गया वो आपका रोमन लेटर्स का इस्तेमाल करके लिखा गया एज लिमिट में। तो एज लिमिट की अगर मैं बात करूं तो कम से कम आपकी उम्र 21 साल होनी चाहिए, 21 साल से ज़्यादा आपकी उम्र होनी चाहिए, और मैक्सिमम जो उम्र अलाउ की गई है वो क्या है कि 32 साल है। और एज लिमिट के लिए जो कट ऑफ डेट है वो आपकी 1 अगस्त 2021 होने वाली है, यानी कि 1st ऑफ अगस्त 2021 को एटलीस्ट क्या है कि आप 21 साल आपकी उम्र पूरी हो जानी चाहिए, और क्या है कि 32 साल से आपकी उम्र कम होनी चाहिए। इसके अलावा अगर मैं एज रिलैक्सेशन की बात करूं तो SC ST कैंडिडेट्स को क्या है कि आपका 5 साल का रिलैक्सेशन मिला गया है। इसके अलावा OBC जो कैंडिडेट्स हैं उनको आपका क्या है कि 3 साल का एज रिलैक्सेशन क्या है कि आपका मिला गया। इसके अलावा आपको सभी को पता होगा पर्सन विद डिसेबिलिटी वगैरह और एक्सेप्शन कैंडिडेट्स जो है उनको भी क्या है कि इसमें क्या है कि एज रिलैक्सेशन आपका मिलता है। तो एज रिलैक्सेशन की ये हो गई आपकी बात। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, वैकेंसी इंपॉर्टेंट, और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स मैंने आपको बता दिए। चलिए अब फीस की बात भी कर लेते हैं। जब इतनी सारी बातें कर ली तो फीस की जानकारी आपको क्या है कि पैराग्राफ 4 आपका है पेज नंबर 6 पे, वहां से मिलेगी। तो फीस में अगर मैं बात करूँ तो 100 रुपये क्या है कि आपकी फीस होती है, और साथ में फीमेल SC ST पर्सन विद डिसेबिलिटी वाले जो कैंडिडेट्स हैं
क्या है कि उनके लिए किसी भी तरह की एप्लीकेशन फीस आपकी नहीं होने वाली है। बाकी कैंडिडेट्स के लिए फीस 100 रुपए फीमेल SC ST पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी की कोई फीस नहीं है, 100 रुपए फीस आपकी होने वाली है आपकी बाकी जितने कैंडिडेट्स बचे उनके लिए, ठीक है। तो ये फीस की जानकारी हो गई। अब सिर्फ एक इंपॉर्टेंट चीज बची है, वो है आपका सिलेक्शन प्रोसीजर। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि आपका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स पेपर वगैरह हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि पेज नंबर 12 पे 11 नंबर का एक पैराग्राफ दिया है जो कि आपका चेंज ऑफ कैटेगरी कहता है। नाम इसका भले चेंज ऑफ कैटेगरी है लेकिन इस पैराग्राफ में आपको यह पढ़ने को मिलेगा कि एक बार अगर आपने इंडिकेट कर दी है अपनी कैटेगरी तो फिर क्या है कि आप उसे चेंज नहीं करा सकते। मान लीजिए अगर आपने जनरल कैटेगरी लिखी है और फिर आप कहते कि नहीं यार मैं जनरल कैटेगरी नहीं बल्कि मैं तो रिजर्व कैटेगरी से आता हूँ, तो वो चेंज फिर आपका अलाउ नहीं किया जाएंगे। इसके अलावा रिजर्व कैटेगरी में भी चेंज क्या है कि आपका अलाउ नहीं किया गया, यानी कि आप SC से बाद में ST नहीं कर सकते, ST से बाद में SC नहीं कर सकते, OBC से SC ST नहीं कर सकते। तो किसी भी तरह का चेंज और चेंज इन कैटेगरी आपका क्या है कि अलाउ नहीं किया गया। पैराग्राफ का नाम है चेंज ऑफ कैटेगरी, बट इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन दी गई है वो क्लियरली कहती है नो चेंज ऑफ कैटेगरी वंस यू हैव इंडिकेटेड योर चॉइस। तो यानी कि आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन बोलो, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरे तो आप मेक श्योर करें कि आप सही कैटेगरी को चुने, गलत कैटेगरी को नहीं चुने, क्योंकि बाद में फिर वो क्या है कि आपका अलाउ नहीं किया जाएगा। चेंज ऑफ कैटेगरी आपका क्या है कि अलाउ आपका नहीं किया जाएगा। तो चलिए चेंज ऑफ कैटेगरी को तो हमने समझ लिया, जिसमें यही कहा गया कि नो चेंजिंग कैटेगरी आपको अलाउ किया जाएगा एक बार जब आपने अपनी चॉइस क्या है कि इंडिकेट कर दी। अब बात करते हैं हम अपेंडिक्स 1 की। अपेंडिक्स 1 की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर आपका दिया गया है पेज नंबर 13 पे। तो प्लान ऑफ एग्जामिनेशन में आपके दो स्टेप होते हैं आपके इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन के। पहला तो आपका है प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन जो कि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, और दूसरा आपका होता है मेन एग्जामिनेशन। नाम उसका भले मेन एग्जामिनेशन है लेकिन उसमें रिटर्न के साथ साथ क्या है कि इंटरव्यू भी उसी में क्या आपका क्या है कि शामिल होता है, ठीक है। तो आपका ये हो गया। उसके बाद आपका जैसे मैंने आपको बता दिया कि पहला प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन है और दूसरा आपका मेंस है। मेंस में आपका रिटर्न और इंटरव्यू होता है। प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन है उसमें आपके क्या है कि दो पेपर होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप। ऑब्जेक्टिव का मतलब मल्टीपल चॉइस ABCD वाला आपका, और क्या है कि मैक्सिमम क्या है कि उसमें आपको आपका प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में मैक्सिमम मार्क्स आपके 400 यानी कि आपके 400 आपका क्या है कि होते हैं। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बता दिया सिविल सर्विसेज का प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन आपका एक ही होता है, यानी कि कॉमन एग्जाम आपका होता है। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूं कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी क्या है कि आपकी होती है। सारे आपको अपेंडिक्स के नोट सेकंड से पता लग जाएगा कि आपकी इनकरेक्ट आंसर्स के लिए क्या है कि नेगेटिव मार्किंग भी आपकी होती है। वही मेन एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो मेन एग्जाम में क्या है कि आपके 6 पेपर होते हैं, ऐसे टाइप आपके पेपर होते हैं। इसके अलावा जो आपका इंटरव्यू होता है वो आपका क्या है कि 300 मार्क्स यानी कि 300 मार्क्स का होता है। अपेंडिक्स जो है आपका पेज नंबर 13 पे, उसमें सेक्शन सेकंड में क्या है कि आपको प्रीलिमिनरी और मेन एग्जाम से जुड़ी हुई जानकारी क्या है कि आपको देखने को मिलेगी, जिसमें पहले प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन के बारे में बताया गया, यानी कि दो कंपलसरी पेपर होते हैं प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में, और इसमें क्या है कि एक पेपर के 200 मार्क्स होते हैं, यानी दो पेपर के मिला के आपके क्या है कि 400 मार्क्स क्या है कि आपके हो गए। इसके अलावा आपको पेज नंबर 14 से मेन एग्जाम की जानकारी भी मिलेगी। तो मेन एग्जाम में क्या है कि आपके क्या क्या पेपर होते हैं उसके बारे में बता दूं। पेपर फर्स्ट क्या है कि आपका जनरल इंग्लिश का होता है मेन एग्जाम में, और पेपर सेकंड आपका जनरल नॉलेज का होता है, दोनों 300 मार्क्स के होते हैं। इसके अलावा पेपर थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ जो आपका होगा वो क्या है कि आपको दो सब्जेक्ट्स चुनने होंगे, उसके आधार पर आपका पेपर थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ होगा मेन एग्जामिनेशन का, और हर एक पेपर क्या है कि आपका 200 मार्क्स का होगा। यानी कि पेपर फर्स्ट और सेकंड 300 मार्क्स के, तीसरा चौथा पांचवा छठा जो मेन एग्जाम का पेपर है वो आपका 200 मार्क्स का, एक पेपर 200 मार्क्स का, 200 मार्क्स का होगा, और आपको दो सब्जेक्ट क्या है कि उसके लिए चुनने हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे कौन-कौन से सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की जानकारी यानी लिस्ट ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की जानकारी आपको पेज नंबर 14 से मिल जाएगी, जिसमें क्या है कि आपके काफी सारे सब्जेक्ट्स क्या है कि आपको देखने को मिलेंगे। इन टोटल अगर मैं बात करूं तो 14 सब्जेक्ट, यानी एक दो, यानी मैं आपको पढ़ के बता देता हूं, पहला एक एग्रीकल्चर है, दूसरा एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है, तीसरा आपका एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटरनरी साइंस है, उसके अलावा बॉटनी है, केमिस्ट्री है, केमिकल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है, फॉरेस्ट्री है, जियोलॉजी है, मैथमेटिक्स है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, फिजिक्स है, स्टैटिस्टिक्स और जियोलॉजी, यानी कि ये आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा। इनमें से आपको दो सब्जेक्ट चुनने हैं जिसका क्या है, जिसके आधार पे आपका पेपर थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स आपका क्या है कि होना है। अब दो सब्जेक्ट चुनने हैं लेकिन दो सब्जेक्ट ऑलमोस्ट एक जैसे क्या है कि आपके नहीं हो सकते, यानी कि कहने का मतलब है कि आप दो सब्जेक्ट चुनेंगे लेकिन दो सब्जेक्ट एक जैसे नहीं हो सकते। यानी कि कहने का मतलब है कि जो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट दिए उसी के नीचे आपको एक कॉलम दिया है जो कि कहता है प्रोवाइडेड दैट द कैंडिडेट will not be allowed to offer the following combination of subject, यानी कि दो एक जैसे दिखने वाले सब्जेक्ट आप नहीं चुन सकते।
एग्जाम्पल तो नहीं, यहाँ पे लिस्ट दी गई है उसकी पूरी, पहला जैसे एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, दूसरा एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटरिनरी साइंस, तो इस तरह की जो लिस्ट इसमें दी गई है वो दो पेपर के आएंगे, आप एक साथ नहीं चुन सकते। इसके अलावा उसी के नीचे आपको पूरे एग्जाम की जो आपका सिलेबस है वो आपका भर भर के आपका सिलेबस क्या है कि दिया गया है, और यहीं से क्या है कि आप पूरा सिलेबस क्या है कि आपका पढ़ सकते हैं। तो पूरा सिलेबस आपके यहाँ पे दिया गया, पहले प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन का सिलेबस, प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन सिलेबस आपको पेज नंबर 16 से मिलेगा, जिसमें पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड से लेकर दिया। उसके बाद फिर क्या है कि आपका जो क्या है कि मेन सब्जेक्ट्स वगैरह हैं उससे रिलेटेड नॉलेज भी क्या है कि आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, यानी कि जो ऑप्शनल सब्जेक्ट आपके जितने दिए गए आप उसमें से कोई सा भी सब्जेक्ट चुन सकते हैं दो, तो हर सब्जेक्ट का सिलेबस क्या है कि आपको यहाँ पे नीचे की तरफ क्या है कि देखने को मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, जो कि क्या है कि आपका होने वाला है लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। तो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन की जानकारी आपको पहले ही पेज से क्या है कि आपको मिल जाएगी, तीसरे नंबर का पैराग्राफ है जो कि कहता है लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। और लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन यानी कि लास्ट डेट एप्लीकेशन को अप्लाई करने की आपकी 24 मार्च होने वाली, 24 मार्च 2021 शाम 6 बजे तक, रात 12 बजे का इंतजार ना करें, 24 मार्च को उससे पहले ही भर लें। तो 24 मार्च 2021 शाम 6 बजे तक ही क्या है कि आपकी एप्लीकेशन को सबमिट करने की लास्ट डेट आपकी होने वाली है। इसके अलावा दोस्तों आप सभी जानते हैं कि भारत में क्या है कि ढेर सारी नौकरियां निकलती हैं और हर एक नौकरी को वीडियो के माध्यम से मैं कवर नहीं कर पाता हूं। तो इसलिए मैंने जॉब एक्सप्रेस का पेज बनाया है आपका कोरा पे और साथ साथ में फेसबुक पे, फेसबुक और कोरा दोनों आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, तो ये दो पेज है मेरे फेसबुक और कोरा पे, और इन दो पेजेस पे मैं ऑलमोस्ट डेली क्या है कि नई नई ताज़ा तरीन नौकरियों की जानकारी यहाँ पर भी क्या है कि डालता रहता हूँ। तो दोस्तों आज का ये वीडियो था आपका यूपीएससी में होने वाला इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन 2021 के बारे में। तो क्या है कि लास्ट डेट मैंने आपको बताया 24 मार्च 2021 होने वाली है, तो 24 मार्च 2021 अभी काफ़ी ठीक ठाक की दूरी पे, तो मेरी आप लोगों को सलाह कि आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा पढ़ लीजिए, अच्छी तरीके से समझ लीजिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है आप ढंग से समझ लीजिए। इसलिए आपकी सुविधा के लिए मैंने आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक, साथ साथ में जो आपकी यूपीएससी की वेबसाइट है इसका लिंक और साथ साथ में अप्लाई का लिंक, तीनों लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ऑफिशियल वेबसाइट और अप्लाई, तीनों का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। इसके अलावा जॉब एक्सप्रेस पे जो मेरा पेज है, जॉब एक्सप्रेस का जो मेरा पेज है कोरा और फेसबुक पे, उन दो पेजेस का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। दोस्तों चलिए खत्म करते हैं आज का वीडियो और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में किसी और बेहतरीन नौकरी के साथ। तो आपका आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।